हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाड़ा सब दा अज दी नवीं खबरां दे विच। आओ पंजाब दी एक होर नवीं खबर बारे गल करदे हां। पिछले साल मोहाली दे विच विक्रमजीत सिंह मिड्डू खेड़ा दा कतल होया सी। इस कतल केस दे विच पुलिस ने अपना चलान पेश कर दिता है। इस चलान दे विच पुलिस ने की कहा, किन्ने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अते किन्ने लोगों की गिरफ्तारी होनी अजे बाकी है, इस वीडियो दे विच इस बारे तुहानू सारी जानकारी देवांगे। अते नाल ही यह भी दसांगे कि सिद्धू मूसेवाला दे मैनेजर रहे शगनप्रीत सिंह दी इस कतल केस दे विच की भूमिका है। हालांकि शगनप्रीत ने इस गल नूं सिरे तों नकारिया है कि वह कदे भी सिद्धू मूसेवाला दा मैनेजर नहीं रहा, बल्कि उसका करीबी दोस्त सी। विक्की मिंडूखेड़ा श्रोमणी अकाली दल दे विद्यार्थी विंग दे आगू सन अते उन्होंने विद्यार्थी विंग दी पार्टी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया तों अपनियां सरगर्मियां शुरू कीतियां। विक्की मिंडूखेड़ा दा कतल होने तो एक साल बाद तकरीबन पंजाब पुलिस ने भूपी राणा अते नाल होर पांच गैंगस्टरां दे खिलाफ चलान पेश कर दिता है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने अजे चार होर व्यक्तियों को गिरफ्तार करना है, जिन्हां दे विच शगनप्रीत सिंह दा नाम भी दर्ज है। शगनप्रीत सिंह 29 मई को कतल किए गए शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर सी। शगनप्रीत कुछ महीनों तो आस्ट्रेलिया गया होया है अते उत्थों अजे तक वापस नहीं आया। पुलिस ने मुजरिमां दे उत्ते भारतीय दंडावली की धारा 302 यानी कतल, 120B यानी कि अपराधिक साजिश अते 34 यानी कि सांझे इरादे नूं अगे वधाउण लई कीते गए काम अते असला एक्ट के तहत दोष लगाए हन। पुलिस ने अजे चार मुजरिमां का चलान पेश नहीं किया है, उन्हां दी गिरफ्तारी होनी अजे बाकी है, जिन्हां दे विच शगनप्रीत सिंह, रविंदर चौहान, लक्की पटियाल अते धर्मिंदर दा नाम शामिल है। चार्जशीट विच नामजद कीते गए मुलजमां विच हरियाणा दे कथित शूटर सज्जन उर्फ भोलू अते दिल्ली दे अनिल लाठ हन। इन्हां दे नाल कुरुक्षेत्र जिले दे अजय उर्फ सनी समेत कथित गैंगस्टर भूपी राणा, अमित डागर अते गुड़गांव जिले दे कौशल दे नाम भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि बंबीहा गैंग चलाने वाला लक्की पटियाल हाल ही विच अरमेनिया दी जेल विच बंद सी। विक्की मिंडूखेड़ा दा मोहाली दे सैक्टर 71 दी एक मार्केट दे विच शरेआमही गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। वारदात दे मौके विक्की मिंडूखेड़ा एक प्रॉपर्टी डीलर दी दुकान विचों बाहर आ के अपनी गड्डी दे विच बैठन जा रहे सन, जिस ते कातलां ने उन्हां दे उपर हमला कर दिता। हुण मुद्दा यह है कि पंजाब पुलिस ने शगनप्रीत बारे की कहा है। पुलिस के मुताबिक मुलजमां अते शगनप्रीत की मोहाली के एक गुरद्वारा साहब के बैठ के मीटिंग हुई सी। पुलिस के दावे मुताबिक अनिल लठ, सज्जन उर्फ भोलू अते अजय उर्फ सनी ने यह सारे इस बैठक के शामिल सन। शगनप्रीत ने इन सारिया दस्या सी कि विक्की मिंडूखेड़ा सवेरे जिम जाता है, उसने कथित तौर पर खरड़ जलवायु दे विच इन्हां दे ठहरन दा अते खाने पीने दा प्रबंध भी कीता सी। शगनप्रीत ने सिग्नल ऐप राही लक्की पटियाल जो कि अरमेनिया दी जेल दे विच बंद सी, जो इस सारी गेम दा मास्टरमाइंड सी, उस दे नाल गलबात भी कीती। चलान दे मुताबिक विक्की पटियाल ने शगनप्रीत नूं कहा कि विक्की साडा एंटी है अते सवेरे उसका काम कर दो। शगनप्रीत ने मुलजमां नूं विक्की दी फोटो मोबाइल दे उपर दिखाई सी। पुलिस वालों पेश किए गए सारे चलान के विच विक्की मिंडूखेड़ा के कतल का पूरा वेरवा भी है। 6 अगस्त 2021 नूं पुलिस के मुताबिक शगनप्रीत इन सारे मुलजमान नूं जलवायु विहार के विच अपने किसी दोस्त के घर लैके गया अते अगले दिन 7 अगस्त नूं शगनप्रीत इन सारे मुलजमान नूं स्विफ्ट कार के विच बिठा के सनी इनकलेव की मार्केट विच गया अते ये सारे मुलजम फिर विक्की मिंडूखेड़ा के घर के कोल पहुंचे, जिथे उसका गोलियां मार के कतल कर दिता गया। दूजे पासे अपनी एंटीसपैटरी बेल पटीशन दे विच शगनप्रीत ने यह कहा है कि वह किसी भी गैंग के नाल संबंधित नहीं हैं अते वह सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर कदे भी नहीं सी, वह सिर्फ उन्होंने एक करीबी दोस्त सन। उन्होंने वकील विनोद घई ने पटीशन दे विच यह भी दावा किया कि शगनप्रीत का विक्की मिंडूखेड़ा मारन का कोई भी कारण ही नहीं सी अते उन्होंने यह भी दावा किया कि शगनप्रीत कदे भी भारत तो फरार नहीं सी होया, वह आस्ट्रेलिया सिर्फ अपने दोस्तों नूं मिलन वास्ते गया होया सी। हाई कोर्ट ने शगनप्रीत की जमानत की अर्जी रद्द कर दिती सी। पुलिस का कहना है कि वह जल्दी ही इस मामले दे विच अपनी सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल करनगे। पुलिस ने यह चलान पेश करते हुए इन्हां मुलजमां दे लई कड़ी सज़ा की मांग की है। तुहाडा सब दा इस सब दे बारे की मनना है कमेंट करके जरूर दसना।
ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।